उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ने वाले सुभा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ओपी राजभर पहले अखिलेश पर सवाल खड़ा कर योगी की डिनर पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जगह एनडीए खेमे के साथ खड़े नजर आए। वहीं योगी सरकार ने राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। ऐसे में राजभर की बीजेपी से नजदीकियां पड़ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों फिर से साथ नजर आएंगे। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के बाद से ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलकर जमीन पर उतरने की राजभर ने नसीहत दी तो सपा प्रमुख को ये बात नागवार गुजरी। ऐसे में अखिलेश यादव ने राजभर से दूरी बनाते हुए साफ कह दिया था कि वो आजाद हैं और जिसके साथ जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन सपा को नसीहत ना दें। इससे साफ जाहिर है कि अखिलेश और राजभर के रिश्ते में दरार पैदा हो गई है और उनके गठबंधन पर ग्रहण लग गया है, जिसका देर सवेर टूटना तय है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में दूसरी बार योगी सरकार के आने के बाद से ओपी राजभर के तेवर ढीले पड़ गए हैं। अखिलेश यादव से बढ़ती दूरियों के बीच राजभर की बीजेपी के साथ नजदीकियां भी बढ़ती दिख रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को राजभर और उनके विधायकों ने वोट देकर बीजेपी के साथ दोस्ती का एक कदम और भी आगे बढ़ा दिया। राष्ट्रपति चुनाव नतीजे के दूसरे ही दिन योगी सरकार ने सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान किया है। इसके बाद राजभर और बीजेपी के बीच मधुर हो रहे रिश्ते की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि 2022 के चुनाव के बाद से ही राजभर को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ओपी राजभर ने खुद स्वीकार किया है कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जाकर उन्होंने मुलाकात की थी। इसी के बाद से राजभर को लेकर बीजेपी मेहरबान है और अब तो वाई श्रेणी की सुरक्षा देकर दोस्ती का कदम बीजेपी ने भी बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी राजभर को अपने साथ क्यों लाना चाहती है, तो इसका जवाब यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव राजभर की जोड़ी ने पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी को मात नहीं दी, बल्कि खाता तक नहीं खोलने दिया। ऐसे में बीजेपी की नजर चुनाव के बाद से ही राजभर पर है, जिन्हें अपने खेमे में लाने के लिए सियासी पिच तैयार की जा रही है। ये कवायद दोनों ओर से जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी सपा के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सियासी चक्रव्यूह रच रही है। सपा के साथ रहे कई छोटे दल साथ छोड़कर जा चुके हैं और अब बारी राजभर की है। राजभर ने योगी सरकार या बीजेपी से नजदीकियों पर कहा कि अभी हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, वहां से गठबंधन टूटेगा तभी किसी से बातचीत होगी। राजभर ने कहा कि सपा से गठबंधन टूटने के बाद हमारी प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी है, जब बसपा से बात नहीं बनेगी तो किसी और से बात होगी। ऐसे में क्या बीजेपी के साथ राजभर हाथ मिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2019 के चुनाव के बाद नाता तोड़ लिया था। राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर लड़े और राजभर के 6 विधायक जीतने में कामयाब भी रहे। पूर्वांचल में राजभर के सियासी आधार को देखते हुए फिलहाल उन्हें खास तवज्जो मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि राजभर क्या बीजेपी से हाथ मिलाते हैं। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।